हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इट इज़ अ क्लास ऑफ फर्स्ट इंग्लिश रीडर। वी विल लर्न द फर्स्ट लेसन द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक एंड वी विल एंजॉय टुगेदर। खुशियों से भरे हुए इस माहौल में पढ़ने पढ़ाने की पाठशाला में शुरू करते हैं सेकंड लेसन द लिटिल गोरिल्ला। इसमें एक छोटे से गोरिल्ला के बारे में बताया गया है जो एक क्रीचर है, प्राणी है। उसका बिहेवियर, उसका फेवरेट थिंग्स, हॉबीज एट्सेट्रा आदि चीज़ों का वर्णन इस लेसन में किया है। आइए देखें और समझें। सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में देखें कि लेसन का नाम है द लिटिल गोरिल्ला, जिसका अर्थ है एक छोटा सा गोरिल्ला। गोरिल्ला मतलब होता है ए काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, जो किसकी तरह का होता है, बंदर की तरह है। बंदर की ही एक प्रजाति है जो इस लेसन में बताया गया है, ठीक है। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि जो गोरिल्ला है वह सबसे ज़्यादा खाने का शौकीन है और वह ज़्यादा से ज़्यादा खा लेता है जो स्वास्थ्य के लिए उसके हानिकारक हो जाता है। आइए सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को लिखें, फिर इसके बाद में आप लोग इन डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, उनको लर्न करें और एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करें, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आता है। डिफ़िकल्ट मीनिंग आएंगे, क्वेश्चन आंसर आएंगे, अबाउट द लेसन आएगा, समरी आएगी, तो इसके लिए हम इसकी तैयारी करें। तो आइए सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट मीनिंग्स लिखें। डिफ़िकल्ट मीनिंग है, उसी तरह से सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ल्ड, फिर इसके बाद प्रोनाउंसिएशन, और लास्ट में हम लिखेंगे मीनिंग इन हिंदी, जिसको हम मीनिंग इन हिंदी बोलते हैं, ताकि हम हिंदी में समझें कि आखिर इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं वंस। वंस ओ एन सी ई, वंस मीन्स एक बार होता है, ओ एन सी ई वंस। वंस मीन्स होता है एक बार। इस प्रकार से फिर आगे देखते चले जाएंगे। फर्स्ट लाइन में बनानास जानते ही हो, बी ए एन ए एन ए एस, बनानास मीन्स केले होते हैं। एट ए टी ई, एट मीन्स होता है ईट का सेकंड फॉर्म, एट मीन्स खाया, है ना, खाया। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट मीनिंग्स को देखेंगे। ब्रेकफास्ट, बी आर ई ए के एफ ए एस टी, इसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स होता है सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता, मतलब लाइट फूड होता है। फिर इसके बाद है लंच, एल यू एन सी एच, लंच। लंच मीन्स होता है दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन। इस तरह से फिर नेक्स्ट आते हैं मिल्क। मिल्क मीन्स होता है दूध। हम जानते हैं कि मिल्क क्या होता है, कंप्लीट फूड होता है। जूस,
जूस तो जानते हो पेय पदार्थ है, JUICE जूस। फिर इसके बाद है एलो, एलो काइंड ऑफ कलर है, एलो मीन्स पीला होता है। फिर इसके बाद होता है लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड, लाफ्ड मीन्स होता है हंसा। इसके बाद फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स लिखे हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे इनको, इन मीनिंग्स को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो, देन यू विल रिवाइज, लर्न बाय हार्ट एंड अंडरस्टूड वेरी वेल। सो अब हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। लेसन में लिखा है कि वंस अपॉन ए टाइम किसी समय की बात है या एक समय की बात है। देयर लिव्ड रहता था ए लिटिल गोरिल्ला, एक छोटा सा गोरिल्ला जो बंदर की भांति दिखाई देता है वह रहता था। ही लव्ड उसे पसंद था ईटिंग, क्या ईटिंग, बनानाज। गोरिल्ला को सबसे अधिक केले खाना पसंद था। ही एट पास्ट टेंस है तो ही एट वह खाता था ओनली बनानाज, वह केवल केलों को खाता था और ज़्यादा अन्य चीज़ें पसंद नहीं करता था। ही हैड बनानास फॉर ब्रेकफास्ट, जो सुबह का नाश्ता होता था उसमें वह केले ही खाता था। ही हैड बनानास फॉर लंच, वह दोपहर के भोजन में भी केला ही खाता था। ही हैड ए बंच ऑफ बनानास फॉर डिनर, और जो केलों का समूह होता था उनको रख लेता था किसके लिए, बनानास फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए भी वह केला ही खाया करता था। ही एट देम विथ मिल्क, और जब भी वह केला खाता था तो किसके साथ खाता था, दूध के साथ खाया करता था। ही एट वह खाता था देम विथ जूस टू, और कभी कभी जूस के साथ, चाहे अन्य फल का जो रस होता है उस रस के साथ केला खाया करता था। और हिज मदर डिड नॉट लाइक एट ऑल, जो गोरिल्ला की जो माँ है वह यह सब खाना उसे पसंद नहीं था। जो गोरिल्ला इतना सब केले खाता था, दूध के साथ खाता था, वो जूस के साथ खाता था, तो उस गोरिल्ला के माँ को यह सब पसंद नहीं आता था। सी ऑफन सैड, वह हमेशा कहती थी स्टॉप ईटिंग, क्या कहती थी, खाना बंद करो, क्या बंद करो, बनानाज ऑल द टाइम, कि जो दिन भर केले खाते हो उस केले को खाना बंद करो, अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा यू विल देन टर्न एलो सून, कि तुम पीले रंग के हो जाओगे, अभी जो कलर है उस कलर से बदल करके पीले रंग में बदल जाओगे। लिटिल गोरिल्ला डिडंट लिसन टू हिज मदर, उसकी माँ ने सिखाया अच्छी बात, लेकिन उसने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया।
वन डे इट हैपेंड, एक दिन यह घटित हुआ कि द लिटिल गोरिल्ला टर्नड सनी येलो, कि वह धूप में किसमें बदल गया, पीले रंग में बदल गया। हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, जब गोरिल्ला के दोस्तों ने उसे देखा पीले रंग का, तो सभी गोरिल्ले के दोस्त सभी दोस्त उस पर हंस पड़े। दिस मेड द लिटिल गोरिल्ला वेरी सैड, इस हंसी ने गोरिल्ला को बहुत दुखी कर दिया। सून ही चेंज्ड हिज फूड हैबिट्स, जल्द ही उसने जो खाना खाने की आदत है उसको बदल दिया। क्या किया फिर, ही एट एप्पल्स, वह सेव खाता था, ऑरेंजेस संतरे खाता था, एंड ग्रेप्स और क्या खाता था, अंगूर खाता था। जब वह पीला पड़ गया, लोग उस पर हंसने लगे, तो उसने फूड हैबिट जो खाने की आदत थी उसको उसने बदल दिया और वह सेव खाने लगा, संतरे खाने लगा, अंगूर खाने लगा। ही एट लीव्स एंड वेजिटेबल्स टू, और वह पत्तियों को खाने लगा और अच्छी हरी भरी सब्जियों को भी खाने लगा। इन ए फ्यू वीक्स कुछ ही सप्ताह में, ही लुक्ड लाइक हिज, वह दिखने लगा फ्रेंड्स वंस अगेन, किसके जैसे, अपने दोस्तों की तरह फिर से वह दिखने लगा। हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी, अब उसकी माँ यह सब देख करके बहुत ही प्रसन्न हो गई। तो ये लेसन अब समाप्त हो गया, इसके बाद आइए हम कुछ एक्सरसाइज करें, देखते हैं। मल्टीपल चॉइस गिवन दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए, अभी हमने पढ़ा कि एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए, कौन रहता था, आइए देखते हैं कौन रहता था। देयर लिव्ड ए लिटिल गोरिल्ला, तो अब आंसर में हम देखेंगे कि लिटिल गोरिल्ला कहाँ पर है, ये आंसर है। इस तरह से हमारा आंसर ये हो गया, फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ही हैड, उसके पास क्या था, फॉर ब्रेकफास्ट, अब हम जानते हैं कि ब्रेकफास्ट में वो क्या खाता था, जानते हैं कि वो क्या खाता था, बनानास, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बनानास, लंच में भी बनानास, और एट लास्ट डिनर में भी वह बनानास यूज करता था। ये देखो, ब्रेकफास्ट में बनाना खाता था और लंच में भी बनाना खाता था, और इसके बाद देखो डिनर में भी बनाना ही खाता था, तो इसलिए इसमें क्या होगा, ही हैड ब्रेकफास्ट बनानास। द लिटिल गोरिल्ला टर्नड सनी, जब ढेर सारा केला खाने लगा तो वह धूप में बैठते ही, ये धूप में रहने से वो किस में बदल गया था, येलो, किस रंग में बदल गया था, येलो रंग में। अभी हमने पढ़ाया भी है, ये देखो लिखा है कि जब वह धूप में बैठा तो वह किस में बदल गया था, सनी येलो, येलो में बदल गया था। अब आगे देखते हैं, ही एट, वह खाता था ओरेंजेस एंड ग्रेप्स, दो संतरे भी खाता था, अंगूर भी खाता था, और उसके साथ में वो क्या खाता था, एप्पल भी खाता था। आइए देखते हैं कहाँ लिखा है, ये देखो लिखा है ही एट एप्पल्स ओरेंजेस एंड ग्रेप्स, तीनों चीज़ें मिल गई। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स, क्या सही गलत कहा इसने, टिक द राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। Here is a story about a rat. अब आप ही बताओ, tell me that the story which we will discussion about this gorilla or rat. Rat की कहानी है कि gorilla की है, rat मतलब चूहा, gorilla मतलब जो हम कहानी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कहानी किसकी है, gorilla की, इसलिए कहानी ये क्या हो गई, false हो गई, क्या हो गया, false हो गया। He had a bunch of bananas for dinner. ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि वह रात्रि के भोजन के लिए क्या रखता था, ढेर सारा केला रखता था। तो आइए देखें, तो ये हमारा बिल्कुल राइट्स है।
गोरिल्ला डिडंट लिसन टू हिज मदर, गोरिल्ला अपनी माँ की नहीं सुनता था। बिल्कुल सही है, अगर सुनता तो वो पीला नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके दोस्त हंसने लगे पीला होते ही, तब उसने सुना। ही एट लीव्स एंड वेजिटेबल्स टू, वह पत्तियाँ भी और हरी भरी सब्जियों को भी खाने लगा। सही है, तभी वो जा कर के सेम शेप एंड सेम कलर्स में टर्नेड हुआ था। अब फिलिंग द ब्लैंक्स कहता है ही लव्ड, वो क्या करता था। अब एट ए टी ई, ही लव्ड एट बनानास, नहीं सॉरी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एट नहीं होगा। ही लव्ड, वो क्या करता था। ही लव्ड बनानास, उसे पसंद था खेला किस में, ब्रेकफास्ट लंच, और ही लव्ड टू ईट, यहाँ पर दो वर्ब नहीं हो सकती इसलिए टू ईट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू ईट, क्योंकि एक वर्ब लिखी हुई है तो हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ही लव्ड टू ईट बनानास। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि उसे बनाना खाना पसंद था। ही एट देम विथ, वह खाता था। अब किस में देम विथ, किसके साथ खाता था, अभी हमने पढ़ाया है जूस के साथ। किसके साथ खाता था, विथ जूस, जे यू आई सी ई, तो इसमें भरेंगे जे यू आई सी ई, क्या भरेंगे, जे यू आई सी ई, जूस भरेंगे। हिज मदर वाज बेरी, उसकी माँ क्या थी, बहुत चिंतित थी, क्योंकि वो अक्सर क्या करता था, उसकी बात को नहीं सुनता था। तो क्या हो जाएगा, उसकी माँ हमेशा, हिज मदर वाज वेरी वरी, हिज मदर वाज वेरी, चिंतित थी, वरी थी, किसके लिए, कि वह ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा केलों को तो क्या हो जाएगा, ही विल टर्न एलो सून, इसलिए उसकी माँ क्या थी, चिंतित थी। तो इसमें हिज मदर वाज वेरी वरी, डब्ल्यू ओ डबल आर वाई, ठीक है। सून ही चेंज्ड हिज हैबिट्स, उसने क्या किया, जो उसकी जो आदत थी उसने उसको बदल दिया। तो क्या हो गया, किस कौन सी हैबिट को उसने बदल दिया, सून ही चेंज्ड, जल्दी उसने बदल दिया हिज ईटिंग हैबिट, जो उसकी आदत थी उस आदत को उसने बदल दिया। तो यहां पर भर देंगे ईटिंग हैबिट, जो उसकी ईटिंग हैबिट है उसको उसने बदल दिया। व्हाट वाज गोरिल्लास फेवरेट बनानास, तो लिखेंगे यहां पर, जिस पर हम लिखते हैं पहले का आंसर कि व्हाट वाज गोरिल्लास फेवरेट फूड, तो लिखेंगे द फेवरेट, एफ ओ ए वी ओ यू आर आई टी ई, फेवरेट फूड ऑफ गोरिल्ला, जी ओ आर आई डबल एल ए गोरिल्ला, इस द फेवरेट फूड ऑफ गोरिल्ला इस बनाना, बी ए एन ए एन ए, है ना, उसका फेवरेट फूड क्या था, बनाना था। फिर इसके बाद व्हाट हैड ही फॉर ब्रेकफास्ट, तो ही हैड फॉर ब्रेकफास्ट बनानास, वो ब्रेकफास्ट में भी क्या रखता था, ही हैड
bananas in his breakfast. अब इस प्रकार से अब ये हो गया दो. अब नेक्स्ट आते हैं, हु लाव्ड एट हिम, गोरिल्ला पर कौन हंसा. तो नंबर थर्ड में है गोरिल्लास, जी ओ आर आई डबल एल ए एस, गोरिल्लास. यहाँ पर स्टाफ ही है फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स, एल ए यू जी एच ई डी लाफ्ट एट हिम. किस पर हंसते थे, गोरिल्ला पर हंसते थे. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही चेंज सून, गोरिल्ला ने क्या चेंज कर दिया. तो लिखेंगे ही चेंज्ड हिज ईटिंग हैबिट. उसने क्या चेंज कर दिया, ईटिंग हैबिट्स. जो खाने का उसका रूटीन था, समय था, ईटिंग हैबिट्स कर सकते हैं या फूड हैबिट्स भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, फूड हैबिट्स, हिज ईटिंग हैबिट्स या फिर फूड हैबिट्स, क्योंकि उसने ईटिंग में क्या ही लेता था, बनाना ही लेता था. इस प्रकार से ये लेसन पूरा होता है. इफ़ यू हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ यू कनेक्ट विथ अस. थैंक यू.